नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि मेहता, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आंखों में मोतियाबिंद तथा चश्मे के नंबर के अलावा आजकल एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में मुख्यतः आंखों में लाल हो जाती है, आंखों से पानी गिरता है, आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना इत्यादि ये सब लक्षण होते हैं। ये इससे बचने के लिए धूल धुआं मिट्टी इससे हमें बचना चाहिए। घर से निकलते वक्त एक टाइट फिटिंग सनग्लासेस का उपयोग करें और इससे क्या होगा कि जो बाहर जो सनलाइट है, फॉरेन मैटर है, पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, पोल्यूशन है, वो आंखों में जाने से बच जाएगा। तो इससे आपके एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस से आप बच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है और कई बार तो ये देखने में आया है जो वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटी करते हैं उसमें ये ड्यूरेशन कई घंटों तक, 7-8 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आँखों में बहुत ही डिसएडवांटेज है। आँखों में जो ब्लिंक रेट होती है वो कम हो जाती है। पलक झपकाने की जो नॉर्मल जो रेट है वो है 12-15 टाइम्स पर मिनट। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से ये पलक झपकाने की रेट कम हो जाती है, इससे आँखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू होने से फिर आँखों में थकान महसूस होना, आँखों में जलन होना, आँखों में स्ट्रेस फील करना, ये सब शिकायतें होती है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है 20-20-20 रूल को फॉलो करना। इसमें हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। उसके दौरान उस 20 सेकंड में आपको 20 फीट की दूरी पर आपको देखना होता है। इस तरह से अगर आप दूर देखते हैं 20 फीट की दूरी पर तो आपकी आँखों की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। साथ ही साथ आपको कॉन्शियसली आपको थोड़ी पलके झपकाने की आपको करते रहना चाहिए ताकि पलक झपकने से आँखों का जो टीयर सरफेस है वो कॉर्निया के ऊपर मेंटेन रहता है। इससे हमें ड्राइनेस की शिकायत कम हो जाती है। साथ ही साथ हमें स्क्रीन टाइम के दौरान ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी देखने में आता है कि कई लोगों को चश्मे के नंबर होते हैं और उससे वो अनभिज्ञ रहते हैं और लगातार ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, इससे आँखों का स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाता है। तो जिसको भी ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आँखों का स्ट्रेस हो रहा है तो उसे एक बार अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और आँखों के चश्मे के नंबर की जांच भी करवा देनी चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप जाएंगे आई स्पेशलिस्ट के पास तो अपनी कंप्लीट आई चेकअप भी आपको करवाना चाहिए। इस तरीके से आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। थैंक यू।